नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टोरेज क्लासेस के बारे में कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, ये वेरिएबल पे लोकेशन पे कैसे अपना इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये उसी के कंटिन्यूशन का लास्ट वीडियो है। जो फ्रेंड्स इसको पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, ये स्टोरेज क्लासेस का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑटोमेटिक ऑटो, ऑटोमेटिक वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल, अगर ये दोनों कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस का अगर वेरिएबल है तो ये क्या इफ़ेक्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर हम स्टैटिक किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहां पे हमने लिखा इंट ए और इसके आगे अगर हमने कीवर्ड लगा दी स्टैटिक, तो ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एक वेरिएबल एलोकेट हो जाएगा। और जब स्टैटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल होगा तो इस पे क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगा, यानी कि गार्बेज नहीं होगा। जो प्रीवियस वेरिएबल्स में गार्बेज, जैसे ऑटोमेटिक में, रजिस्टर में गार्बेज होता था, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होता है। इसका एलोकेशन भी रैम में होगा, रैम में मेमोरी एलोकेट होगी इसकी, और लाइफ इसका टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि इसकी जो लाइफ होगी वो प्रोग्राम की पूरी लाइफ के बराबर होगी। ये वेरिएबल जब तक प्रोग्राम रन करता है तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और इसका स्कोप इसका भी सेम वही होगा जो प्रीवियस ऑटोमेटिक प्रीवियस स्टोरेज क्लासेस के वेरिएबल्स का होता था। मीन्स कि ये भी उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिमिटेड होगा जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें हम एक फंक्शन बना लेते हैं void f नाम का, और फंक्शन को यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे देते हैं void f। जो फ्रेंड्स फंक्शन नहीं जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे फंक्शन के जो वीडियोस हैं पहले उसको देखें तो यहाँ पे फंक्शन का यूज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्टैटिक इंट ए वेरिएबल लिया और ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट, इसको प्रिंट करा देते हैं। ये ए की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं, ये क्लियर स्क्रीन लगा हुआ है। फंक्शन को हमने कॉल कर ली, अब हम इसको रन करेंगे। गलत डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन हमेशा वाइड मेन के ऊपर होना चाहिए तभी ये ग्लोबल होगा। ये देखिए, इसका रिजल्ट 1 आ गया।
इनिशियली वैल्यू इसकी जीरो थी, क्योंकि स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल होता है उसमें गार्बेज नहीं होता। इनिशियली वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी जीरो होती है, और जीरो में वन प्लस हुआ, यहाँ पे वन प्रिंट हो गया। अब अगर हम इस फंक्शन को दो बार कॉल कर देते हैं, जैसे एक बार और हम कॉल करते हैं यहाँ पे एफ, दो बार हमने कॉल किया, अब रन करते हैं, तो ये देखिए पहली बार इसकी वैल्यू वन आई, फर्स्ट सेकंड टाइम में इसकी वैल्यू टू आ गई। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारा, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा रिक्रिएट नहीं हुआ, जो पहले क्रिएट हुआ था वही वेरिएबल दोबारा कॉल करने पे, दोबारा जब हमने फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को पहली बार जब हमने कॉल किया तो ये वेरिएबल क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद इसमें यहाँ पे वन ऐड हुआ और ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। जब हमने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया तो जनरली क्या होता है, अगर ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ऑटो कीवर्ड से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है, तो वो दोबारा से क्रिएट हो जाता है, रिक्रिएट हो जाता है। ये हमारा रिक्रिएट नहीं हुआ, वापस उसी वैल्यू में प्लस प्लस हो गया, एक वैल्यू बढ़ गई और यहाँ पे अगेन हमें रिजल्ट में दो मिला। तो इसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम के लाइफ के बराबर होती है, और इसका स्कोप जो होता है वो जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया गया है उसी के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रिंटफ इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये हमने ब्रैकेट में ले ली, और मैं यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे एरर आ गया, अनडिफाइंड सिंबल ए यहाँ पे शो कर रहा है कि सिंबल ए डिफाइन नहीं किया गया है। वो इसीलिए शो कर रहा है कि ये सिंबल ए को फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो ये इसका जो स्कोप होता है वो उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है जिसके अंदर डिक्लेयर किया गया है, बट इसकी लाइफ जो होती है वो पूरे प्रोग्राम की लाइफ के बराबर होती है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल अगर है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो एक्सटर्न यूज़ होता है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, लाइक स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी जीरो होती है। एलोकेशन इसका भी रैम के अंदर होता है, और लाइफ जो इसकी होती है, लाइफ इसकी प्रोग्राम की लाइफ के बराबर होती है। ये वेरिएबल भी हमारा जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तब तक ये हमारा कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। और इसका जो स्कोप होता है वो हमारा ग्लोबल होता है। ग्लोबल मीन्स इसको किसी भी फंक्शन के अंदर से हम लोग कॉल कर सकते हैं, किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर से कॉल कर सकते हैं, और ये इजीली कॉल होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो दोस्तों आइए इस पर भी प्रोग्राम बना के चेक करते हैं। सपोज ये हमारा फंक्शन है, और ये इसको मैंने मिटा दिया, दोस्तों ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा F1 नाम का फंक्शन है, वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, इंट ए, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देते हैं ताकि एक ही वैल्यू एक इंक्रीज हो जाए, और इसको हम प्रिंट कराते हैं, रन करेंगे, ये देखिए रिजल्ट वन आया। वन इसीलिए आया कि इसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो थी और ए प्लस प्लस हुआ तो इसकी वैल्यू वन हो गई। ये इस फंक्शन से भी कॉल किया जा सकता है हमारे
इस फंक्शन के अंदर से कॉल किया जा सकता है, ये जो फंक्शन है हमारा, और इसको अगर हम यहाँ पे कॉल करना चाहें मेन के अंदर, तो मेन के अंदर भी हम इसे कॉल कर सकते हैं। देखिए इक्वल्स टू यहाँ पे हमने किया प्रिंटफ इन सॉरी स्लैश एन इन मेन ए इक्वल्स टू रन करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई, और उसके बाद जो हमने प्रिंटफ किया हुआ है मेन के अंदर वो प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कर्ली ब्रैकेट किसी भी फंक्शन के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ग्लोब, इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। और अगर एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ क्यों करेंगे, यहाँ पे तो हमने एक कन्फ्यूज़न आएगा कि एक्सटर्न कीवर्ड का तो यूज़ किया नहीं है हमने, तो इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब सपोज़ यहाँ पे हमने इंटीजर ए डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया ए की वैल्यू, तो इसको डेफिनेशन मिल गई, ए मिल गया कि हाँ यहाँ पे हमने इंटीजर, यहाँ पे हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है प्रीवियस यहाँ पे जो भी है वो हमें पहले से डिक्लेयर किया हुआ मिल रहा है। लेकिन अगर हम ए को यहाँ डिक्लेयर ना करके इस लोकेशन पे डिक्लेयर करें, आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने क्या किया, इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे बंद कर दी, ये डिक्लेरेशन हमने हटा दी, इसको हम नीचे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंट ए। अब अगर हम रन करेंगे तो एरर आएगा, एरर क्या आया, अनडिफाइंड सिंबल ए, यानी कि सिंबल ए को डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि कंपाइलर पहले इसको रीड कर रहा है और इसको रीड करने के बाद ये नीचे आ रहा है तो इसको रीड कर रहा है, तो ए की डेफिनेशन यहाँ पे तो इसको मिली नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ए वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ए वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको अगर हम इसके पहले फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करना होता है, हमें बताना होता है कि ये वही वेरिएबल है जो आउटसाइड में, जो एक्सटर्नल साइड में हमने डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पे अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं एक्सटर्न इंट ए, अब हम रन करेंगे नो एरर, जैसा पहला आंसर आ रहा था वैसा ही आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्न कीवर्ड कभी भी डिक्लेरेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, एक्सटर्न कीवर्ड कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये बताने के लिए यूज़ होता है कि हमने जो वेरिएबल एक्सटर्नल साइड में आउटसाइड में डिक्लेयर कर रखा है उसी को मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, एलोकेशन रैम में, और लाइफ इसकी पूरे प्रोग्राम की लाइफ के बराबर होती है, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और स्कोप इसका ग्लोबल होता है, किसी भी फंक्शन से किसी भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से इसको कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टोरेज क्लास क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से लगभग अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जहाँ वीडियोस को देखिए, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे पॉज करके देखिए, एक बार दो बार रिवाइंड करके देखिए, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आता है तो कमेंट करिए, मेल भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।